प्रदेश के संभल से, जहां ग्राम बराही में दो पक्षों में अवैध शस्त्र से फायरिंग हुई। पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्त में लिया, जिसमें एक आरोपी फरार है। आपको बता दें कि बराही निवासी डॉक्टर एहसान अपने गांव के जब्बार से कई वर्ष पूर्व 10 बीघा जमीन खरीदी थी। आज जब वह प्लॉट की चिनाई करने पहुंचा तो गांव के काशिफ सरताज, नईम सानू आदि लोगों द्वारा डॉक्टर के सामने अवैध शस्त्र से हवा में फायरिंग की गई, जिसकी सूचना थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी फरार है। हो गया काम, हो गया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सायम है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ भाई यार, यहाँ पे दो आदमियों की हमने जगह ली थी, दोनों सगे भाई ने उनकी जगह ली थी हमने दोनों की, जिसमें हमने बेनामों को कहा तो एक ने तो करा दिया, दूसरा कराने के लिए तैयार ना। स्टाम्प हमारे पास हैगा। कितने साल पुराना स्टाम्प है? 2004 का स्टाम्प है। 2004 में ली गई थी। उस टाइम पे कोई भी बैनामा नहीं होता था भाई साहब। कौन से गांव की घटना है ये? ये बराई गांव की है, कहीं भी मुकर्रबपुर कहीं भी कोई बैनामा नहीं चल रहा था उस टाइम, तो स्टाम्प हो जाता था। किस थाने का मामला है ये? थाना नखासा थाना क्षेत्र का है। उसके बाद क्या हुआ? जी उसके बाद में जब हम अपनी जगह को बनाने गए तो उन लोगों ने हम पर फायरिंग की। फायरिंग करने वाले कौन कौन लोग थे? फायरिंग करने में जब्बार पुत्र कल्लन, सरताज पुत्र जब्बार, नईम पुत्र जब्बार, सानू पुत्र जब्बार और काशिद पुत्र जब्बार, सादाब पुत्र जब्बार, नासिर पुत्र जब्बार। क्या पुलिस आई थी? जी पुलिस आई थी। किस समय घटना है ये? 9 बजे की है सुबह। किस तारीख की घटना है ये? 3 तारीख 6 महीना 2021 की घटना है। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी तक? जी पुलिस ने अभी तक तो ले गए हैं दोनों तरफ से, अभी तक तो पता नहीं। क्या फायरिंग करने वाले दबंग लोग हाथ आए? जी वो तो भाग गए फायरिंग करके। उसके कोई परिजन हाथ आया? जी दो परिजन आए हैं, उसके बाप और भाई। फायर करने वाले किस चीज़ से फायर हुए हैं? जी असले से हैं, वीडियो है भाई साहब। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।